मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज है दूसरा दिन और मैं उस समय मुंबई में। तो कल नाइट में मैं मरीन ड्राइव गया था, वहाँ लेट वेट हो गया था, उसका आपको पता। तो अभी का प्लान होने वाला है मेरा CSMT रेलवे स्टेशन जाना और वहाँ से फिर गेट ऑफ इंडिया वगैरह उधर के जितने भी एरिया सब घूमना आज का प्लान है। और सभी लोग जो साथ के रुके हुए वो सब भी यही प्लान है उन लोगों का भी। तो चलते हैं अपन और शुरू करते हैं आज फिर से दोबारा अपना ब्लॉग। दादर से चलेंगे CSMT के लिए, लोकल की फास्ट वाले लोकल है, चलते यहाँ से। भाई मैं आ चुका हूँ दादर और यहाँ से लेंगे अब CSMT की ट्रेन, चलते हैं। भाई दादर आके यहाँ से ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, जिसका प्लेटफॉर्म आगे है, मतलब जहाँ अपन उतरते हैं उधर मुंबई सेंट्रल से आके, उसके इधर बाजू में मतलब एक ही प्लेटफॉर्म है, ये रास्ता उधर से आ गया। तो भाई ये है मस्जिद रेलवे स्टेशन, मस्जिद के नाम से है जो, और अब इसके बाद फाइनली अपने रेलवे स्टेशन आने वाला है। आ गया CSMT और ये मीनारा दिख रहा आपको, ये स्टेशन मुझे देखना था मेन, और जिस स्टेशन में अपन लगभग आ चुके हो। तो बताता हूँ मैं इसके बाहर का व्यू, अंदर का व्यू किस तरह से बना हुआ है। अंग्रेज के टाइम के मतलब ब्रिटिश शासन के टाइम का बना हुआ है ये। देखो आप मीनारे पर आप देख सकते हैं उन लोगों के निशान क्रिश्चियंस के। ठीक है चलो चलते हैं अपन उतरते ट्रेन में। सर वीडियो की क्वालिटी इसलिए बिगड़ जाती है कभी कभी कि इस जो ग्लास गार्ड चढ़वा था मैंने आने नागदा से आने मतलब मुंबई आने से पहले, उन्होंने ऐसा निकाला कि वो उखड़ रहा है कैमरे फ्रंट कैमरे के यहाँ से, तो इसकी थोड़ी कैमरे की क्वालिटी मेरी बार बार ख़राब होती है। फिर मैं उसको सही करता हूँ, एयर निकालता हूँ, फिर वीडियो शूट करता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये रहा वो स्टेशन, और ये कुछ व्यू इस तरह था यहाँ पे। ये रहता जहाँ स्टेशन ख़त्म होता लास्ट, और उसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। अपनों को किधर निकलना वो अपनों को देखना पड़ेगा, अपनों को इधर निकलना, अपनों को इधर नहीं, अपनों को इधर निकलना। तो ये रहा स्टेशन की, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत पुराने वक्त का बना हुआ अंग्रेजों के टाइम का, तो जिस तरह का दिखता है अंदर से। अपन चलो इधर चलते हैं बाहर, मतलब बिल्कुल फील देता है पुराने टाइम। तो भाई ये स्टेशन के बारे में टर्मिनल लीजिए, तो जाना तो नहीं था पर देखूँगा अंदर जाके टर्मिनल कहाँ पर जाता है ये रास्ता। एक मार्केट टाइप है उस तरफ निकलने के लिए, तो अपना इधर अभी कुछ भी काम नहीं, अपने चलते वापस ऊपर। तो भाई मैं आ चुका हूँ बाहर, और ये रहा वो CSMT रेलवे स्टेशन, जिसका मुझे बाहर से व्यू देखना था और इसके लिए मैं आया था फिर व्यू देखने। यहाँ मेरे को कुछ काम नहीं है, बस यहाँ से अब ग्रांड होटल जाएंगे जहाँ शाहरुख सर की जवान मूवी की शूटिंग हुई थी, वहाँ चलते हैं अपन यहाँ से। ये इसके सामने एक ये बना हुआ, ये भाई मुंबई की नगर पालिका, ये व्यू देखने के लिए आपको पीछे मैं आ गया हूँ सामने, पर भूख लग रही है तो थोड़ा सा मैं वड़ा पाव मुंबई का अभी तक खाया नहीं, टेस्ट करता हूँ। फेमस मुंबई डिश वड़ा पाव, ठीक है यार भाई 20 रुपये में तो टेस्ट वगैरह सब देते हैं ये लोग। पहली बार ट्राई किया मुंबई में, मतलब अच्छा लगा, आप खा सकते हो 20 रुपये।
की डबल डेकर एसी बस, इसमें सफ़र करना पड़ेगा। अब ये कहाँ से कहाँ जाती है मालूम करता हूँ। तो भाई ये इस स्टेशन पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। यहाँ पे जैसे एक्शन रिप्ले में आदित्य रॉय कपूर की यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ का सीन था एक, और तुमको ना भूल पाएंगे मैं सलमान खान का भी था, यहाँ बाइक खड़ी करके वो अंदर जाते। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे इस जगह पर, टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है पता नहीं क्या। ये रही नगर पालिका, ये भी ब्लॉगर है। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा व्यू, एक ही फ्रेम में ये आ गया पूरा। और वहाँ ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, जूम तो नहीं कर पाऊँगा, प्यास लग रही, पानी मिल नहीं रहा, गन्ने का जूस का होगा, पीते हैं गन्ने का जूस। जूस सही है भाई, गन्ने का ठंडा भी है वो, बढ़िया है गर्मी में, इस तरह गर्मी उसको देखते हुए सही लग रहा। रास्ते में ये पार्क दिखते जहाँ पे पुराने टाइम का, जो सिटी में बस की जगह पहले इंजन चलते थे ना ट्रेन टाइप, वो दिख गया। तो भाई लोग यहाँ फ़ोटो भी शूट करा रहा है। तो भाई अभी अपन वहाँ से स्टेशन से निकल के और चल रहेंगे जहाँ जवान मूवी का एक गाना शूट हुआ था, चले यार, शाहरुख सर की जवान मूवी का। तो वो स्टेशन से लगभग 900 मीटर जहाँ मैं खड़ा था स्टेशन के बाहर फ़ोटो वगैरह खिंचा रहा था, वहाँ से कुछ 900 मीटर दूर है। तो आप अगर आना चाहो यहाँ पे कभी विज़िट करने तो CSMTC या तो आप मैप पे डाल लेना ग्रैंड होटल, तो मैप के द्वारा मैं पैदल जा रहा हूँ, मतलब इधर कोई बस वस भी मिली नहीं थी मुझे, मैंने मालूम करी तो बस थी नहीं, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ 900 मीटर और फिर वहाँ से मैं कुछ बस वस लेके दूसरी लोकेशन देखूँगा। तो अगर किसी को आना हो तो वो CSMT रेलवे स्टेशन के बाहर से पैदल भी आ सकता है, और अगर ऑटो टैक्सी करना हो तो ऑटो टैक्सी भी कर सकता है। भाई अपन पहुंच गए होटल ग्राउंड रोड, कुछ 5-6 से मतलब 7-8 मिनट लगे मुझे। तो ये कोई रिलायंस सेंटर करके बिल्डिंग है, ये रही भाई वो बिल्डिंग, लगभग आप सभी पहचान गए होंगे कि चले आ सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ था। ये रही वो होटल, और अपने पास वो शर्ट भी था जिस शर्ट में यहाँ पे गाना शूट हुआ था, लेकिन वो मैं होटल ही छोड़ा आया, कल भी मैंने उसको पहन रखा था तो वो थोड़ा सा उसकी कॉलर वगैरह गंदी हो गई थी। तो ये रही वो होटल, और यहीं पर शाहरुख सर ने डांस किया था, नयन तारा नाम है शायद उनका एक्ट्रेस का, उनके साथ चल रहा है। ठीक है अपन भी फ़ोटो वोटो लेते हैं, अब यहाँ पे वीडियो तो हो ही गई अपनी। भाई ये है वो लोकेशन जहाँ शाहरुख सर की थी जवान का सॉन्ग शूट हुआ था। भाई अभी मुझे ढूंढना है मस्जिद, मैं निकल चुका हूँ उस लोकेशन से, और अब मैं मस्जिद ढूंढ के मस्जिद पढ़ूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद अपन चलेंगे कहीं और। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया इधर, ये कौन सा एरिया भाई, कौन सा एरिया है भाई? यहाँ पे मस्जिद है, एरिया मैं आपको बताऊंगा, हम लोग मिल गए यहीं पास में। तो भाई मैं आज यहीं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ मुंबई की मस्जिद में जुमे की। तो भाई इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा।